Hi third years, good morning. Once again I'm here for your research lecture. I hope last lecture आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा. Nursing research का identification of research problem आपको clear हुआ होगा थोड़ा बहुत, at least मैं expect करती हूँ. आज last class में हमने sources क्या होता है, research problem कि कितने सोर्सेज है, किस टाइप के सोर्सेज होते हैं, सब हमने डिटेल में पढ़ा था. आज इस नेक्स्ट क्लास में हम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, एक रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं. जैसे आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हो तो क्या क्या क्राइटेरिया आप फॉलो करते हो. यू मस्ट बी पास 12th, यू मस्ट बी बायो, तो ये सब चीज़ें क्राइटेरिया होती हैं. वैसे ही जब हम एक रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं कि अब हमें रिसर्च करना है, चलो हम कहाँ से ढूँढें रिसर्च प्रॉब्लम, मान लो आप गए पर्सनल एक्सपीरियंस पे, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से आप रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल सेक्शन से आपको अपेंडिसाइटिस के पेशेंट पे कुछ करना है तो आप उसमें भी बहुत सारे रिसर्च क्राइटेरिया होंगे, वो आपको फॉलो करना है. तो क्या क्या सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं वो आज स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन. डेफिनेटली वी आर स्टडिंग दी नर्सिंग रिसर्च, तो एवरीथिंग शुड बी सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग. नर्सिंग से सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम आउट ऑफ द वे जाके आप टॉपिक सिलेक्ट करके लेके आ गए हो, तो नहीं ऐसा नहीं करना है. इट शुड बी सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग. ए प्रॉब्लम विच ए रिसर्चर इज सिलेक्टिंग शुड हैव सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशन. ए रिसर्च प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट फॉर नर्सिंग प्रोफेशन व्हेन इट इज डायरेक्टेड टू डेवलप ए रिफाइन द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज. वन थिंग मैं आप लोग को क्लियर करना चाहती हूँ, वाई वी पीपल आर डूइंग रिसर्च. जस्ट थिंक वाई वी पीपल आर डूइंग रिसर्च इन नर्सिंग, इज इट इम्पॉर्टेंट. मतलब वाई वी आर स्टडिंग रिसर्च इवन, मुझे मतलब आप लोग एक्चुअली आप लोग का फर्स्ट यूनिट नहीं हुआ ना, इसलिए मुझे ये क्वेरीज करना पड़ रहा है. फर्स्ट यूनिट हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट प्रियंका मैम को लेना है, इसलिए आई एम डीलिंग विद सेकंड यूनिट. थर्ड यूनिट कल से लीन मैम लेंगी, कल या परसों से. तो जनरली मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, रिसर्च हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं फॉर एडवांसमेंट, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आवर नर्सिंग प्रोफेशन. आप लोग अभी शायद सर्च भी नहीं किए होंगे, बहुत सारे दुनिया में बहुत रिसर्च होते हैं यार, सब रिसर्च करते हैं. रिसर्च करने से क्या फ़ायदा मिलता है, वी आर स्टैंडर्डाइजिंग अवर प्रोफेशन. कुछ नया जानने को मिल रहा है, कुछ नया डेवलप कर पा रहे हैं. अब आप अगर रिसर्च नहीं करोगे तो आप कभी ये जान पाते, मतलब आप इतना डिटेल में नहीं जान पाते कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को सोडियम देने से ये प्रॉब्लम आ रही है. अब आप वेरियस रिसर्च करोगे कि कितने स्टडीज़ हुई हैं इस पे, कि कितने पेशेंट को सोडियम दिया गया है. जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ पेशेंट को आप इंसुलिन दे रहे हो, इंसुलिन से कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च. मतलब दे दिया, ठीक हो गया, इज़ ट्रीटमेंट. बट रिसर्च इज़ कि यू आर गोइंग इन डीप, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितना चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च. वो रिसर्च आप लोग को करना है. द सेकेंड लाइन टोल्ड, रिसर्च प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट फॉर नर्सिंग प्रोफेशन व्हेन इट इज़ डायरेक्टेड टू डेवलप और रिफाइन द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज. आपको अपने नॉलेज को रिफाइन करना है, रिफाइनमेंट के लिए हम ये रिसर्च करते हैं, नर्सिंग रिसर्च करते हैं. नेक्स्ट इज रिसर्च प्रॉब्लम कुड बी कंसिडर सिग्निफिकेंट फॉर नर्सिंग प्रोफेशन इफ़ इट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया. देयर आर फॉलोइंग क्राइटेरिया, अगर ये फुलफिल करता है तभी वो नर्सिंग प्रोफेशन से सिग्निफिकेंट कहलाएगा. द रिजल्ट विल इम्प्रूव क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस. आपका जो भी रिसर्च का रिजल्ट आएगा वो क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना चाहिए, तभी ये नर्सिंग प्रोफेशन को सिग्निफिकेंट करेगा. प्रमोट नर्सिंग थियोरी डेवलपमेंट और टेस्टिंग. नर्सिंग की कितनी सारी थियोरीज हुई है, डेवलप हुई है, नाइटिंगेल और एम्स, बहुत सारे थियोरीज डेवलपमेंट, तो ये नर्सिंग थियोरीज को डेवलपमेंट करने में प्रमोट करेगा, तब इट वुड बी सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग. प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ करेंट नर्सिंग प्रैक्टिस नीड्स. बहुत सारे नीड्स हमको दिखते हैं, ज़रूरत दिखती है हॉस्पिटल्स में, छोटे छोटे हॉस्पिटल में आप लोग जाते होंगे, यहाँ गीता भवन जी के पहले जाते थे, आप लोगों ने बहुत सारी नीड्स देखी होगी, प्रैक्टिस में कमी देखी होगी, तो ये सबको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तभी वो कहलाएगा नर्सिंग से सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट इज जनरेट इन्फॉर्मेशन टू गेट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर नर्सिंग प्रोफेशन.
प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस दिखने चाहिए। ये कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके रिसर्च के रिजल्ट में आना चाहिए जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस कनेक्टेड होना चाहिए। प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस मीन्स जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन पोर्शन में, आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में इसका इन्फ्लुएंस दिखना चाहिए, इसका प्रभाव दिखना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट इज ओरिजिनल, डेफिनेटली। सेकंड इज ओरिजिनल, योर रिसर्च शुड बी प्योर एंड ओरिजिनल। आप लोग की जैसे नहीं कि आप लोग फाइल जो बनाते हैं आप अपने सीनियर से कॉपी करके बनाए, दैट दिस इज़ नॉट एट ऑल ओरिजिनल योर रिसर्च, बट योर रिसर्च शुड बी ओरिजिनल। जैसे आपके सीनियर्स ने जो रिसर्च बनाया है दैट वो लाइब्रेरी में रखा है, आप वो देख के अगर कॉपी करेंगे हम उसको ओरिजिनल नहीं बोलेंगे। आप देखिए, कॉपी कीजिए, बट वो कॉपी कीजिए जो उनने नहीं लिखा है। आप इसमें अभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी पढ़ेंगे, इसमें आप बहुत सारे रिव्यूज़ करेंगे लिटरेचर के, पुराने रिसर्च को आप पढ़ेंगे, तो दिस इज़ नॉट कॉपिंग। आप कॉपी नहीं करोगे, आप उसको इसलिए देखोगे कि उसमें क्या हुआ। जैसे आप फिर से करना चाहते हो हाइपरटेंसिव पेशेंट पे कुछ सोडियम का इफेक्ट देखना चाहते हो फिर से हाइपरटेंसिव पेशेंट पे, अब आप क्या करोगे, प्रीवियस लिटरेचर देखोगे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स पे सोडियम के इफेक्ट के बारे में कितने टाइप के स्टडीज़ हुई हैं, या फिर आप ये देखोगे अपेंडिसाइटिस पे कितने टाइप की स्टडीज़ हुई है, उसके एटियोलॉजी में हुई है, उसके मैनिफेस्टेशन में, उसके मैनेजमेंट में, उसके लैब इन्वेस्टिगेशन किस में हुआ है। तो आप अगर उसने एटियोलॉजी पे किया है तो आप एटियोलॉजी पे नहीं जा सकते हो, यू विल गो विद द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिनैलिटी। आप रिव्यू इसलिए करोगे लिटरेचर्स का ताकि ये देख सको कि कहीं मेरा और जो प्रीवियस लिटरेचर हुआ उसका सेम ना हो, मैच ना हो। आप कुछ अलग करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करोगे, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिनैलिटी। तो योर रिसर्च शुड बी ओरिजिनल, नया होना चाहिए कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिबल, डेफिनेटली। फिजिबल का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग बस से, अधिकतर बच्चे अगर बस की फ़ीस कम रहती तो मुझे लगता, और बस की फ़ीस कम रहती और आपके डोर टू डोर आती है बस, तो डेफिनेटली आप कॉलेज बस यूज़ करते, राइट। तो क्यों करते, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होता कंपेयर टू आपकी पब्लिक बस। पब्लिक बस के लिए आप खड़े रहते हो, स्टॉप पे जाना पड़ता है और बहुत ट्रैवलिंग टाइम लगाता है, तो ये फिजिबल नहीं है। क्लियर विद द फिजिबिलिटी। तो आपको जो फिजिबल लगता है आप उसी को करोगे, ठीक है। तो फिजिबिलिटी इज़ एन एसेंशियल कंसिडरेशन ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। हमेशा ये किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है, फिजिबिलिटी, कि फिजिबल है कि नहीं। अब फिजिबिलिटी चेक करने के लिए दो तीन चीज़ें होती हैं, फिजिबिलिटी एंड टाइम। सी फिजिबिलिटी एंड टाइम। अब फिजिबिलिटी एंड टाइम क्यों बोला गया, ए नर्स माइट बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग सिबलिंग रिलेशनशिप एमंग दी, ये सब मत पढ़ो, आई थिंक मुझे भी नहीं पढ़ना चाहिए सब चीज़ें, मैं जो बोल रही हूँ बेटा वो सब चीज़ें बस सुनो। फिजिबिलिटी एंड टाइम, आई थिंक आप मेरी क्लास में ना नोट्स भी लेके बैठो, क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड होता ना तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से शायद क्लियर कर पाती कि व्हाट इज़ फिजिबिलिटी एंड विद द टाइम। लैक ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, तो इतने ही रिसोर्सेज में जो मैं बोल रही हूँ उतना ही आप लोग सुनो और लिखो उसको, और अपने ओन वर्ड्स में अभी से नोट्स क्रिएट करो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। मेरा ट्रस्ट करो, जो बुक्स में लिखा है आप अगर वो पढ़ने जाओगे बच्चों तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि रिसर्च के टर्मिनोलॉजीज, वर्ड्स, सेंटेंस बहुत ही टिपिकल होते हैं, आउट ऑफ द माइंड जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आने वाला है। मैं आप लोग को अपने ओन वर्ड्स में बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या है, इसलिए अगर मैं ये पूरा सेंटेंस पढ़ूँगी तो आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, तो कंफ्यूजिंग नहीं होना है, इसलिए मैं आप लोग को अपने ओन वर्ड्स में बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो फिजिबिलिटी एंड टाइम, बस मेरी मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, और अगर आपको लगता है तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिजिबिलिटी इन टाइम, सी क्या होता है, योर रिसर्च शुड बी इन विद इन अ टाइम, एक विद इन गिवन टाइम पीरियड में होना चाहिए। जैसे आप फोर्थ ईयर में आप प्रैक्टिकल करोगे, इट फोर्थ ईयर विल बी फॉर वन ईयर कोर्स, तो उसमें से आपको 6 मंथ आप लोग मिलेगा, तो आप 6 मंथ से ज़्यादा या फिर 1 ईयर से भी ज़्यादा अगर आपका रिसर्च जाता है तो दैट इज़ नॉट फिजिबल फॉर द टाइम। तो आपका जो रिसर्च है वो फिजिबल टाइम पीरियड में फिनिश होना चाहिए। कई रिसर्च ऐसे होते हैं जो 5-5, 10-10 साल, 1-1 साल चलते हैं, बट
आप प्रायर डिसीजन लेना है, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करोगे उसी टाइम पे आपको डिसाइड कर लेना है कि मेरा रिसर्च कितने टाइम तक मुझे फिनिश करना है। तो फिजिबिलिटी देख के, टाइम फिजिबिलिटी देख के आपको अपना रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट, डेफिनेटली कॉस्ट, कितना कॉस्ट, कितनी मनी आपको आपके स्टडी में लगने वाली है। अभी आपको नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या करना है, टॉपिक लेके रिसर्च ही तो करनी है, बट नो, इसमें बहुत सारे खर्चे भी आते हैं बच्चों, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगला स्टेप, अभी तो हम वी आर इन फर्स्ट स्टेप ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। आप जब सारे स्टेप्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। सेकेंड स्टेप में आपको रिव्यू लिटरेचर देखोगे, आप रिव्यू करने के लिए आपको बहुत सारे मैगजीन्स की जरूरत पड़ेगी, तो यू विल परचेज दैट मैगजीन्स, यू कैन गो विद द ऑनलाइन ऑल्सो, बट फिर भी आपको मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स खरीदने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपको बहुत सारे स्टेप्स है इसमें, डेटा कलेक्शंस करने पड़ेंगे, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देर आर सो मेनी कॉस्ट, नॉट सो मेनी कॉस्ट, बट थोड़ा रिजनेबल कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट वुड बी फिजिबल, ठीक है। फिनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च, आपके ग्रुप में फिनेंशियल रिसोर्सेज मिलने चाहिए। पता चला एक के ऊपर बर्डन हो गया, बाकी सब कर ही नहीं रहे हैं, तो रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट एंड सप्लाइज, ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिक्वायर सम टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जैसे इक्विपमेंट्स का यहाँ पर मतलब है, इफ़ यू आर गोइंग टू कंडक्ट ए रिसर्च ऑन द अपेंडिसाइटिस पेशेंट, तो आपको इक्विपमेंट्स क्या लगेंगे उसमें। सी, इक्विपमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप, यू विल गो टू दी डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, यू नीड टू हैव सो मेनी पेजेस, यू नीड टू हैव दी प्रोजेक्टर्स, यू नीड टू हैव दी, क्यों प्रोजेक्टर्स क्यों चाहिए, वुमेन को पढ़ाओगे आप, पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर्स चाहिए आप लोग को फोल्डर्स चाहिए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज भी प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट आप अपना फिजिबल हो, फिजिबिलिटी इन द सेंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज, ठीक है, ये होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से रिसर्च कर पाओगे। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। जैसे इफ यू आर डूइंग रिसर्च, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपका हेल्प नहीं कर रहा है, जैसे यू वेंट टू मेदांता हॉस्पिटल एंड यू आर टेकिंग पेशेंट एंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो वहाँ पर हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग, कि वो बोल रहे कि नहीं ये नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं पूछना है, परेशान नहीं करना है पेशेंट को। इफ़ दे आर नॉट सपोर्टिंग, देन हाउ यू पीपल डू द रिसर्च, राइट। तो पेशेंट के सपोर्ट के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का भी उतना ही रोल होता है। फिनेंशियल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल, तो वो आपको मिलना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पीयर सपोर्ट, डेफिनेटली पीयर सपोर्ट। पीयर सपोर्ट मीन्स यू पीपल, इफ़ यू हैव ए ग्रुप ऑफ फाइव मेम्बर्स, आपके जो फाइव मेम्बर्स हैं, आप फाइव पीपल आर पीयर ग्रुप, ठीक है। आप में से पांच में से दो ही इंटरेस्टेड है करने के लिए, बाकी तीन बोला अरे यार कितना कर रही है, वो मत कर तू, अरे ये नहीं करेंगे यार निपटा देंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड पीयर सपोर्ट। इफ़ योर पीयर विल नॉट सपोर्ट, यू कैन नॉट डू दी गुड रिसर्च, आप सफिशिएंट रिसर्च नहीं कर, आप फिर एक स्टेप करोगे, दो स्टेप करोगे, फिर पीयर सपोर्ट नहीं मिल रहा आप छोड़ दोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। पीयर सपोर्ट प्रॉपर मिलना चाहिए ताकि आप अपने रिसर्च को प्रॉपर एंड तक आप पहुँचा सको, क्लियर। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स से क्या समझ रहे हो। सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं कि आप जो पढ़ रहे हो वो वाला सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट्स, दिस इज़ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द रिसर्च। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर है जो सैम्पल आपने लिया है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग द रिसर्च ऑफ अपेंडिसाइटिस पेशेंट, राइट। तो अपेंडिसाइटिस पेशेंट्स आर योर सैम्पल, आर योर सब्जेक्ट्स, आर योर यूनिट। तो मैं समझ गए, आर योर कर रही हूँ, तो दीज आर सिनोनिम्स, सब्जेक्ट्स आर सिनोनिम ऑफ पेशेंट, पेशेंट को ही सब्जेक्ट बोल रहे हैं और सब्जेक्ट्स को ही यहाँ पे सैंपल बोल रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स मींस इफ यू आर गोइंग टू डू द रिसर्च ऑन HIV/AIDS पेशेंट, ठीक है, और HIV/AIDS पेशेंट के पेशेंट आपका सैंपल साइज है मान लो 50, आपके 50 पेशेंट ही नहीं मिल रहे हैं, तो आप कैसे रिसर्च करोगे, राइट। तो आप रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने से पहले आपको ये कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। तो आपको
अवेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है कि नहीं है ये आपको चेक करना है। अगर अवेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है तभी आप ये उस टाइप के टॉपिक्स पकड़ोगे, ठीक है, उस टाइप के रिसर्च प्रॉब्लम लोगे। नेक्स्ट इज रिसर्च कॉम्पिटेंसीज। रिसर्चर्स कॉम्पिटेंसीज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देर आर फाइव ग्रुप्स इन योर क्लास जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनमें आपस में कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए कि आई विल डू द बेस्ट वन, आई विल डू द फिजिबल रिसर्च, आई विल डू द ओरिजिनल रिसर्च। तो एवरीवेयर दिस इज द रूल ऑफ आवर इंडिया, और वी कैन से ह्यूमन बॉडी कि देयर विल बी कॉम्पिटेंसी देन इट वुड बी बेस्ट। तो कॉम्पिटेंसीज जहाँ होती है बेस्ट आता है। तो कॉम्पिटेंसीज रिसर्चर्स में भी कॉम्पिटेंसीज आई होप, मतलब आई एक्सपेक्ट कि होना चाहिए। नेक्स्ट इज एथिकल कंसिडरेशंस। व्हाई एथिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग रिसर्च, स्पेशली रिसर्च में एथिकल कंसिडरेशन हम लोग इसलिए देखते हैं बच्चों, क्योंकि टुडे यू आर गोइंग टू टेक द पेशेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस समवेयर, इफ़ यू आर गोइंग टू डू द रिसर्च ऑन कोरोना वायरस पेशेंट, तो द कोरोना वायरस पेशेंट आपको ऐसे ही कोई टच करने नहीं देगा। अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को आपको ऐसे ही कोई टच करने नहीं देगा, या फिर उनके साथ बात करने नहीं मिलेगा आपको। तो आप लोग को फॉर दैट यू नीड टू हैव ए परमिशन ऑफ एथिकल कमिटी। तो एथिकल कमिटीज़ का प्रॉपर परमिशन, एथिकल कमिटी आपको तभी परमिट करेगी जब आपकी फिजिबिलिटी, ओरिजिनलिटी सब दिखेगा आपको आपके रिसर्च में। इसलिए एथिकल कंसिडरेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आपको एथिकल आपके टॉपिक को, अगर आपका टॉपिक फिजिबल नहीं लगा तो वो डिनाई कर देंगे, आपको परमिशन ही नहीं मिलेगा। तो एथिकल कंसिडरेशन इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट एज बाकी सब, ओरिजिनल, फिजिबिलिटी, एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्वेबल एंड रिसर्चेबल। डेफिनेटली योर रिसर्च शुड बी सॉल्वेबल, रिसर्चेबल होना चाहिए। पता चला कोई सभी आप टॉपिक उठा के आप बोल रहे हैं कि मैं तो अब इस पर रिसर्च करूँगी, कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन टिकटॉक बनाती है और टिकटॉक बनाते बनाते पहाड़ से गिर रही है, मुझे उस पर रिसर्च करना, वॉट इज़ दिस। तो वी कैन नॉट टेक अननेसेसरी, और हमको ऐसे टॉपिक लेना है जिसका रिजल्ट फ्रूटफुल हो लोगों के लिए, जो रिजल्ट आने के बाद कुछ उसमें से आउटपुट निकले जो बेनिफिशियल हो लोगों के लिए, अंडरस्टैंड। हमको ये नहीं देखना है कि बाहुबली ने, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, विल डू रिसर्च ऑन दिस, इज इट इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा जगह पे, ऐसा जगह, ऐसा चीज़ का रिसर्च हमको करना ही नहीं जहाँ जिसका कोई वैल्यू, जिसके रिजल्ट की कोई वैल्यू ही नहीं हो। तो हमें इस टाइप का रिसर्च करना है जो सॉल्वेबल हो, रिसर्चेबल हो, अंडरस्टैंड। सी प्रॉब्लम सिलेक्टेड इज कंसिडर्ड गुड ओनली इफ इट इज़ सॉल्यूबल, सो दैट चांस ऑफ इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम शुड बी मिनिमाइज। मतलब फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर सिलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम टू नो द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड इन दिस यूनिवर्स। एग्जैक्टली दिस एग्जाम्पल इज वेरी मच सुटेबल। अब कोई रिसर्चर चाह रहा है कि मैं भगवान का एग्जिस्टेंस इस ब्रह्मांड में सर्च करूँ, तो क्या ये सॉल्वेबल है? ये तुम जन्म से लेके मृत्यु तक भी तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे बच्चों। तो दिस इज़ नॉट ए सॉल्वेबल रिसर्च, अंडरस्टैंड। सॉल्वेबल रिसर्च को ही हमको लेना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट दिस सॉल्वेबल। नेक्स्ट इज करेंट। डेफिनेटली करेंट, करेंट रिसर्च प्रॉब्लम लेने से आपको और लोगों को जब आप ही पब्लिश करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, और नई चीज़ है, नया होगा तो कुछ नया आउटपुट आएगा। ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी बेस्ड ऑन द करेंट प्रॉब्लम्स नीड्स ऑफ ए प्रोफेशन, सो दैट रिजल्ट जनरेटेड विल बी फॉर मोर यूज़। डेफिनेटली ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो नए चीज़ पे, तो लोग उसको एक्साइटेड रहते हैं जानने के लिए कि नया क्या है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक, जैसे अभी आप मान लो कोरोना पे करोगे तो इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग ना। आजकल लोग सब जानना चाह रहे हैं कि क्या होता है कोरोना में, किस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं कोरोना में, तो योर टॉपिक शुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम। कितने मैं बेटा रिसर्च में हमेशा बहुत ही कम पढ़ाऊँगी, सो दैट आप लोग जितना पढ़ाए हो उसको अपने माइंड में रख सको। मैं यूनिट कवर करने के चक्कर में मैं फटाफट भी जा सकती हूँ, बट मैं आप लोग को, आप लोग के माइंड मेकअप देख के ही मैं कम पढ़ाऊँगी, और ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आज मैंने कम पढ़ाया, तो आप कम पढ़ के उसको ग्रास्प कर सको और सीख सको। आप कम पढ़ाए हो उसका उतना ही यूटिलाइजेशन आप करो। अगर कल के डेट पे मैं एक्सपेक्ट कर सकूँ कि मेरे बच्चों को सारे क्राइटेरियाज़ याद होंगे, और मुझे पता है आप लोग मुझे कभी
डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे और जो भी पढ़ाई हूँ, खैर क्वेश्चन तो पूछ नहीं पाऊँगी, आप लोग सब देख देख के बता दोगे, इसलिए एक्सपेक्ट ही कर सकती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आज से आप लोग के हर लेक्चर्स के अटेंडेंस भी होंगे, तो अगर आप लोग मेरा जो स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर सुना है वही मुझे रिस्पॉन्स कर पाएगा, तो जो रिस्पॉन्स करेगा मैं उसी का ही अटेंडेंस डालूंगी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि आपका रिस्पॉन्स आएगा ताकि मैं अटेंडेंस डाल सकूं। एंड योर दिस अटेंडेंस फ्रॉम होम, आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर से ही आपका अटेंडेंस डल जाएगा और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, तो आप घर से ही मुझे अपना अटेंडेंस बाय रिस्पॉन्स करके दे दें ताकि मैं आपका अटेंडेंस डाल सकूं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आई होप आई एक्सपेक्ट कि इतना जो समझाया है आप लोग को क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे कभी भी क्वेरीज कर सकते, कभी भी नहीं, 1:15 to 2:00 तक हमारा क्लास है, 1:15 को मैं ये अपलोड कर दूँगी, हार्डली 20 to 30 मिनट्स होंगे आपके पास, नेक्स्ट 15 मिनट्स में आप मुझे जो भी क्वेरीज होती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।